बीजेपी के एक ऐसे नेता जिनके खिलाफ 60 से ज्यादा केसेस रजिस्टर हैं, 30 से ज्यादा बार ये जेल गए हैं, जिनके खिलाफ डकैती, भ्रष्टाचार, अपहरण तक के केसेस दर्ज हैं, इनको कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया, मुख्यमंत्री के मुंह पर इन्होंने काला झंडा फेंक कर मारा जिसके लिए कांग्रेसियों ने इन्हें बहुत पीटा, अपने कॉलेज के दिनों में विधायक से ज्यादा बड़ा रुतबा रखा करते थे, मुख्यमंत्री ने सीधे मिलने बुलाया करते थे, इनके एरिया में कांग्रेसी चुनाव लड़ने से डरा करते हैं, एक बार इन्होंने इंदिरा गांधी से डायरेक्ट टक्कर ले लिया था, और इन सब के बावजूद ही हमेशा अजय रहे। अपने 40 साल के पॉलिटिकल करियर में इन्होंने एक भी चुनाव नहीं हारा। 40 से ज्यादा सालों तक रायपुर में राज करने वाले बृजमोहन अग्रवाल जी की बायोग्राफी बहुत अमेजिंग होने वाली है। मुझे बस आपके 5-7 मिनट चाहिए, वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। तो शुरू से शुरू की जाए तो 1 मई 1959 को रायपुर के ब्राह्मण पारा में जन्म हुआ था बृजमोहन अग्रवाल जी का। बचपन से बहुत ही रिबीलियस और फियरलेस टाइप के स्टूडेंट थे, पास के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे। ऐसे ही एक बार जब ये कक्षा 10वीं में थे तब इनके एक क्लास टीचर थे जो घर पर ट्यूशन पढ़ाया करते थे। वो टीचर कहा करते थे कि तुम सभी को मेरे पास ट्यूशन आना है, मैं तुम सभी को इंग्लिश सिखाऊंगा। इनकी और इनके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी और ऐसे कई स्टूडेंट थे जो उस टीचर की ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ऐसे में टीचर धमकाया करते थे कि जो मेरे पास ट्यूशन पढ़ने नहीं आएगा मैं उसे सभी सब्जेक्ट में फेल कर दूंगा। और सच में जिन बच्चों ने उनकी ट्यूशन नहीं ली थी उन सभी स्टूडेंट को उस टीचर ने फेल कर दिया था, इंक्लूडिंग बृजमोहन अग्रवाल जी। इन्होंने उन बच्चों को इकट्ठा किया और उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने लग गए। बात इतनी ज्यादा फैल गई कि जिन बच्चों ने प्रेशर में उस टीचर की ट्यूशन क्लासेस ली थी वो भी इनके साथ में आ गए। बात हायर अथॉरिटीज तक गई और इस पर एक अनबायस तरीके से फैसला लिया गया। फिर से पेपर्स की जांच हुई और ये सभी स्टूडेंट्स पास हो गए। एक तरीके से ये इनकी पहली पॉलिटिकल जीत थी। और इस इंसिडेंट के बाद स्कूल और कॉलेजेस में इन्हें सब नेताजी कहकर बुलाया करते थे। अपना स्कूल खत्म करने के बाद इन्होंने रायपुर के दुर्गा कॉलेज से पढ़ाई शुरू करी। वहां जाते ही ये छात्र संघ के सदस्य बन गए और छात्र संघ में रहकर ये छोटे बड़े इवेंट्स पर धरना प्रदर्शन किया करते थे। रायपुर के कॉलेजेस में धरना प्रदर्शन करने वालों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता था और इन्हें भी फाइनली ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है और रायपुर के दुर्गा कॉलेज से इन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। इसके बाद रायपुर के किसी भी कॉलेज में इनको एंट्री नहीं मिलने वाली थी और मजबूरन इन्हें भिलाई के कल्याण कॉलेज से लॉ की पढ़ाई करनी पड़ी। वहां जाते ही इन्होंने फिर से छात्र संघ ज्वाइन कर लिया और एक साल बाद ही छात्र संघ के प्रेसिडेंट की लड़ाई लड़ी। जाते ही वो छात्र संघ के प्रेसिडेंट बन गए। उस समय पर एक छात्र संघ के प्रेसिडेंट का रुतबा एक विधायक से ज्यादा हुआ करता था। प्रदेश के मुख्यमंत्री तक इन्हें मिलने बुलाया करते थे। उस समय कॉलेज में रहते ही इन्होंने RSS ज्वाइन किया जहां ये जनसंघ के साथ लग गए। उस समय ये अपने स्टूडेंट यूनियन के साथ कांग्रेस की नीतियों का खुलकर विरोध किया करते थे। साल था 1975 जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी। मध्य प्रदेश के एक बहुत ही पॉपुलर कांग्रेसी नेता विद्याचरण शुक्ल जी थे जो इन्हें बुलाकर कहते हैं कि आप इंदिरा गांधी जी के सपोर्ट में एक मोर्चा निकालो और लोगों को इमरजेंसी के अच्छे परिणामों के लिए अवेयर करो। उस समय तक की राइट विंग की आइडियोलॉजी से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस थे कि विद्याचरण शुक्ल जी के प्रस्ताव को बिना दो बार सोचे तुरंत ही ठुकरा दिया और इसी कारण ये पूरे रायपुर में पॉपुलर होते गए, राजनीति में इनका कद बढ़ता गया। पर इसी बीच ये एक ऐसा कांड कर देते हैं जिसकी वजह से ये पूरे देश में पॉपुलर हो जाते हैं। दरअसल उस समय कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले अर्जुन सिंह जी का काफी बोलबाला हुआ करता था। वो एक ऐसे नेता थे जिनका पूरा दहशत हुआ करता था। उस समय रायपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था जिसकी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी जी और राजमाता सिंधिया जी रायपुर आई हुई थी। दूसरी ओर अर्जुन सिंह का रोड शो था जो मालवी रोड से जाना था। बृजमोहन अग्रवाल जी ने अर्जुन सिंह के मुंह पर एक काला झंडा फेंक कर मारा जिसके लिए उस वक्त कांग्रेसियों ने इन्हें बहुत पीटा और इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन पर मुकदमा चलाया गया और कई दिनों तक ये जेल में रहे और इस इंसिडेंट के बाद मजबूरन बीजेपी को इन्हें अपनी पार्टी में लाना पड़ा। इनको बीजेपी की तरफ से टिकट दिलाने वाले सुंदरलाल पटवा जी ही हैं जिन्हें ये अपना पॉलिटिकल गुरु मानते हैं। इसके साथ ही एक जेल जाने वाला इनका एक और बहुत ही पॉपुलर किस्सा है। दरअसल ये जब 28 साल के थे इनकी नई नई शादी हुई थी। इनसे मिलने इनके ससुराल वाले आए थे पर इधर बृजमोहन अग्रवाल जी धरना प्रदर्शन में लगे हुए थे। धरना प्रदर्शन के बीच में अचानक से पुलिस आ पड़ती है और इन्हें मजबूरन जेल जाना पड़ता है। पर इधर से घर वालों का फोन आ रहा था कि ससुराल वाले मिलने आए हैं। ये जेल से 2 घंटे की छुट्टी लेकर अपने ससुराल वालों से मिलने गए थे। पर ऐसा नहीं है कि इनका रिकॉर्ड हमेशा साफ सुथरा और क्लीन रहा है। ऐसे कई भ्रष्टाचार के आरोप इन पर लगाए गए हैं पर कोई सिद्ध नहीं हो पाए और ऐसा ही एक बहुत ही पॉपुलर केस रहा है।
दरअसल सिरपुर महासमुंद में बहुत ही फेमस और सुंदर रिजॉर्ट है श्याम वाटिका रिजॉर्ट, जो इनकी वाइफ सरिता अग्रवाल के नाम पर है। इस रिजॉर्ट पर जो जमीन अलॉट हुई है उसका ये मसला है कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने यह जमीन गलत तरीके से अपने नाम करी है। दरअसल 1994 में जल संसाधन विभाग ने 5 किसानों से ये जमीन अधिग्रहित करी थी, जिस पर एक सिंचाई प्रोजेक्ट शुरू किया जाना था। सिंचाई प्रोजेक्ट तो शुरू नहीं हुआ। ये जमीन 2003 को वन संसाधन विभाग को सौंप दिया गया। 2009 को ऐसी खबर आई कि 4.12 हेक्टेयर जमीन को सरिता अग्रवाल जी ने 5,30,600 रुपए में खरीद दिया है, और उनका कहना था कि उन्होंने उन 5 में से 2 किसानों से ये जमीन खरीदी है। और जब ये जमीन ऑन पेपर वन संसाधन विभाग के पास है तो ये जमीन शिक्षा मंत्री के पत्नी के पास कैसे पहुंची? उस समय पर श्रीमान डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने इस मसले पर पूरी जांच की कमेटी बिठाई थी, पर अचानक जल संसाधन विभाग ने यह कार्यवाही करने से मना कर दिया और इस केस को वहीं पर दबा दिया गया। इस पर सबके अलग अलग ओपिनियंस हैं, इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी अगर आप आईपीएल देखते हैं तो आपने आईपीएल में इनको ज़रूर देखा होगा। अगर आपको नहीं पता कि ये लड़की कौन है तो ये वाली वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा।